राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। आज जो मैं बनाना सिखा रही हूँ वो है 0 साइज के कान्हा जी की ड्रेस, जिसके लिए मैंने इस तरह से स्ट्रिप ले ली है। स्ट्रिप का साइज मैंने 14x2 इंचेस का लिया है। आप 12 से लेके 16 इंच तक इसकी विड्थ ले सकते हैं। इसको हम 3 साइड से हेम कर लेंगे। 3 साइड से स्ट्रिप को हमने हेम कर लिया है। देन ये जो 4th साइड है, इसमें हम इस तरह से चुनटे डालेंगे। तो जब भी हमने चुनटे डालनी है, ध्यान रखना है जो चुनटे डालने के बाद एरिया आए वो वेस्ट के अकॉर्डिंग आए। तो इस तरह से हमने चुनटे डाल लेनी है। 2 से 2.5 इंच यहाँ पे रख लेना है, जिससे जो है वेस्ट पे पहनाया जा सके। ये देखिए, स्टिच लगाने के बाद इस तरह से घेरा रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रिप बन के रेडी हो गई, फ्रिल टाइप। अब हमने क्या करना है, 6 से 7 इंचेस की एक स्ट्रिप लेनी है लॉन्ग, जिसकी विड्थ हम 1 से 1.5 इंचेस ही लेंगे बस। इस तरह से इसको हमें सिंपली इस तरह से हेम करना है, जैसे नॉर्मली हम स्ट्रिप बनाते हैं। 2-3 इंचेस तक हमें इससे सिंपल हेम करना है। इस तरह से हम जस्ट मशीन के नीचे रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। जब ये 2-3 इंचेस हो जाए, फिर हम इसके बीच में ही घेरा रख देंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ तक स्टिच लगाएंगे, फिर अगेन सिंपली हेम करेंगे। तो इस तरह से ये घेरा बन के रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है चोली पार्ट की। चोली पार्ट के लिए भी हमें सिंपली इसी तरह से विड्थ इतनी ही लेनी है जितनी पहले हमने स्ट्रिप की ली थी, 1 से 1.5 इंचेस। लेंथ जो है वो 5 से 7 इंचेस तक आप ले सकते हो। इसको भी सिंपली हमें सेम वे में हेम करना है। इस तरह से ब्रीक से स्ट्रिप ही बनानी है, क्योंकि 0 साइज के कान्हा जी हैं। 0 साइज के कान्हा जी को जो है चोली की स्ट्रिप विड्थ ज़्यादा नहीं चाहिए होती। तो हम इस तरह से इसकी स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। ये स्ट्रिप हमने बना के रेडी कर ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे हम लूप फोल्ड करते हैं। इसको हम इस तरह से मिड में घेरे के अटैच कर देंगे। तो ये ड्रेस जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये है इस ड्रेस का फाइनल आफ्टर वियर लुक। आप देख पा रहे होंगे कान्हा जी कितने क्यूट लगते हैं। ये अपने आप राउंड शेप में आ जाती है, क्योंकि बहुत स्मॉल से कान्हा जी हैं। जो 0 साइज के कान्हा जी होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो इसीलिए इसे ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही वेस्ट के अराउंड जो है डोरी टाई अप करोगे, ये राउंड शेप में आ जाएगी। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कान्हा जी का ध्यान रखिए। राधे राधे।